सच की आवाज़ चैनल के नाल जुड़े हुए सारे स्रोतियों का तुहाडे वीर लखविंदर सिंह गंभीर वल्लों स्वागत है प्यारे हो। गुरु फतेह सांझी करो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी दे विच जे मैं कहां तां सीधी साधी गल इह है कि एक धर्मी इंसान उही है जिहड़ा सब तो पहला अपने शरीर का ख्याल रखता, जिहड़ा शरीर का ख्याल नहीं रखता वह धर्म सही तरीके नाल कमा नहीं सकता। जे आपां अपने शरीर की सही तरीके दे नाल केयर नहीं करते हैं तो अपने आपां धर्म नूं भी सही तरीके नाल प्रवान नहीं चढ़ सकांगे। छोटे हुंदे आपां आमलियां दा जिहड़ा मुरब्बा खाणा, आमलियां दा अचार खाणा और बड़ा खुश होना, कई बार इतों तक कि जदों कॉलेज दे टाइम सानूं किते जाण दा मौका मिलदा सी कॉलेज तों बाहर तां आमले बहुत लगे हुंदे सी उस टाइम उत्थे, ते आपां कई बार कच्चे भी आमले जिहड़े सी ओह खाने शुरू कर देने। पहलां तां कौड़े लगदे हुंदे सी पर बाद विच ज्यों ज्यों उहनां नूं चबाई जाणा ते उहनां दा जिहड़ा स्वाद हुंदा सी ओह खट्टा मिठा जिहा बड़ा चंगा लगना शुरू हो जाणा। ते जिवें सियाणे कहिंदे आ कि सियाणियां दा बोलिया ते आमले दा खाधा इह बाद विच ही पता लगदा, इह कहावत वाकई सच है। आमला इन्ना कु गुणकारी है कि इहदे खाण तों बाद पता लगदा वी वाकई इह बंदा आमले खांदा रिहा। अज के समय के जदों के साड़ी सेहत बहुत हेठां जा रही है, साड़ियां उमरां भी घटदियां जा रही ने, बीमारियां दिनों दिन वधदियां जा रही ने, हॉस्पिटलों के भीड़ लगी है, उते साडा फर्ज बनता कि आप अपने शरीर का कुदरती तौर पर ख्याल रखिए, वध तो वध अपने शरीर को सांभीए ते जिहड़ियां अंग्रेजी दवाइया ने उन्हां तों थोड़ा जिहा परहेज करिए, क्योंकि एक बीमारी हटाउंदियां ने छत्ती रोग होर ला जांदियां ने। अज की वीडियो दे विच मैं आमले की गल करांगा ते आमले दे तीन फायदे मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगा। सब तो पहला फायदा इहदा नोट करियो ध्यान दे नाल, अज साडे खाण पीन दे हिसाब किताब नाल साडे जिहड़े वाल है वह झड़दे जा रहे हैं, छेती वाल सुकने शुरू हो जाते हैं, सुकदे ते पतले होने शुरू हो जाते हैं, वालां दे विच खुशकी हो जाती है, सिकरी भी पै जाती है, फिर बुरा हाल हुंदा। जिन्हां नूं इह प्रॉब्लम है जिन्हां दी उम्र तों पहलां वाल काले माफ करना वाल चिट्टे होने शुरू हो गए है, वाल पतले है ते झड़ने शुरू हो गए है छेती छेती, उहनां दे लई इक बड़ी प्यारी जी मैं गल कह देवां, आमला जिहड़ा उहदा तेल लओ, किसी चंगी कंपनी का तेल लिओ, आमले का तेल लओ। आमले का तेल जदों तुसीं रोजाना नहाउंदे जे तां रोजाना केस धोने हो अपने फिर तां बेस्ट है, ते जेकर नहीं तो तां वी कोई गल नहीं, जदों वी तुसीं अपना सिर नहाउणा नहाउण तों पहलां तुसीं सिर दे विच चंगी तरह तेल पाओ ते उहदी मसाज करो, आप अपने हत्थां नाल करोगे ते गल नहीं बननी, किसे कोलों करवा लो, हुण आपां तां इत्थे कल्ले आ ते आप ही माड़ा मोटा जिहा बुत्ता सार लईदा। आमले दे तेल नूं चंगी तरह सिर 'ते सुट के उहदी मसाज करो, मसाज करन तों बाद उहनूं बनना नहीं आपां, उहनूं खुल्ला रख देना, अद्धा घंटा सिर नूं पाणी नहीं छोहणा, अद्धा घंटा सिर नूं पानी नहीं छोहणा, क्योंकि सिर जिहड़ा गर्म हो जांदा वाल गर्म हुंदे है, वह जिहड़ा तेल है वह जड़ां तक चंगी तरह रज जाना चाहिए। अद्धा घंटा उहनूं रखो, अद्धे घंटे तो बाद इशनान कर लो किसी चंगे शैंपू नाल जो भी तुसीं लाइक करदे हो, उहदे नाल की फायदा हुंदा, साडे वाल काले चमकदार अते संघणे होने शुरू हो जांदे है, क्योंकि जिहड़ा आमले का तेल है ये एक चंगे कंडीशनर का भी काम करता, सानूं स्पैशल कंडीशनर भी जिहड़ा वरतना जड़ा उहदी जरूरत नहीं हैगी। सो ये जेकर तुसीं इस नुकते नूं अपनाउंदे हो रोजाना जदों तुसीं इशनान करदे हो, क्योंकि लौंग टर्न ये अपनाउणा पैणा नुकता, ते तुहानूं पता लगेगा भी तुहाडे वाल जिहड़े वाकई संघणे होने शुरू हो गए, चमकदार होने शुरू हो गए, खूबसूरत होने शुरू हो गए, क्योंकि केस गुरु की मोहर है ते केसां नाल वैसे भी इंसान सोहणा लगता प्यारा लगता। उम्र तो पहला वाल चिट्टे नहीं होने चाहिए, उम्र तो पहला वाल झड़ने भी नहीं चाहिए। जो आप पुराने बजुर्गों वेखते हैं उन्हों की खुराक कितनी वधिया होंदियां सी कि उन्हां दे वाल जिहड़े सी ओ बड़े संघने चमकदार रहिंदे सन ते छेती कितने चिट्टे भी नहीं सी हुंदे। सो ये नुकते नूं जरूर अपनाउण ओ वीर अते भैणां जिन्हां दे वाल छेती झड़ने शुरू हो जांदे आ ते जिन्हां दी गंज जिहड़ी है ओह पैणी शुरू हो जांदी है। अगली गल मैं कहिण लगा दूसरा नुकता, अज के समय में खाण पीन के माहौल कारण जां टेंशनां चिंतावां इन्नियां वध गईयां कि आपां कदे चीज़ रखदे तां भुल जांदे, याद नहीं सानूं रहिंदी। जिन्हां नूं याददाश्त की प्रॉब्लम है ना, आपां कहिंदे मैं इत्थे रखिया सी अजे फोन कित्थे गया, उत्थे हुंदा पिया, कई वार आपां भुल जांदे हां, कई वार आपां ऐसा भुलदे हां
के बाणी जी रोजाना पढ़ते हैं वह भी भुल जाने, रोजाना मिलते हैं किसी दोस्त को वह नाम ही कई बार सू दिमाग निकल जाता, फिर आप सोचते रहने की हो गया की हो गया। याददाश्त वधाउण दे लई दवाइया खाने की लोड़ नहीं। रोजाना जेकर तुसी आमले का मुरबा कां दे दुध नाल वरतना शुरू करते हो तो हो सके तो विचों विचों आमले का जूस भी जड़ा ना वह पीना शुरू कर दियो, तुहाडी जिहड़ी याददाश्त है वह बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी, वधनी शुरू हो जाएगी। तुहानू पता लगेगा कि हुण फर्क पै रहा, याददाश्त वध गई है। मतलब कि जे आपां इहनू रोजाना वरतीए तां ये दिमाग दे लई बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मैं पहले भी तुहानू दस्या इच्चे कुदरती इन्ने तत्त है जिन्हां की गिनती नहीं की जा सकती, जिवें विटामिन सी इहदे विच हुंदा, कार्बोहाइड्रेट हुंदा, ते फास्फोरस हुंदा, सो बहुत सारे कुदरती तत्त इहदे विच पाए जांदे आ जो साडे शरीर दे लई बहुत ही फायदेमंद हुंदे आ, जिन्हां की गिनती भी नहीं की जा सकती। तीसरा नुकता जिहड़ा मैं कहण लगा वह बड़ा ही खास मखास है जिदी हर बंदे नूं लोड़ है, क्योंकि ज़्यादातर ना आपां जदों भी किसी नूं मिलदे हैं उहदा चेहरा वेखदे हैं, उहदा फेस देखदे हैं वी अगले दा फेस किदां दा, चेहरा किदां दा, ते चेहरा जेकर ऐ दग मग करदा होवे, सोहणा लगदा होवे, वेख के खुश हो जाईदा, ते जिहदा चेहरा ही सड़िया जिहा होवे, कई वार आपां वेख कहिंदे ने दिन खराब ही लंघणा। सो चेहरे उत्ते इकदम असर हुंदा, चंगा माड़ा बंदा जिहड़ा ना चेहरे मुताबिक सोचदा। उम्र तो पहले ही कई झुरड़ियां पैनिया शुरू हो जाएं, दाग धब्बे होने शुरू हो जाते, बुरा हाल, क्योंकि खाण पीन का भी साडा हिसाब किताब इदा का। सो जिन्हों यह प्रॉब्लम है झुरड़ियां पैनी शुरू हो गई, दाग धब्बे होने शुरू हो गए फेस के उत्ते, मैं दस देव आमलिया का पेस्ट तैयार करो, रोजाना लो अपने फेस के उत्ते, तो उन्होंने रखो अपने फेस से ला के ना रखो, तकरीबन 20 to 30 मिनट के रखो, उन्होंने चंगी तरह घट भी रख सकते पर चंगी तरह असर कर जाए, तो वो की हों हौली हौली जोड़े जो धब्बे है दाग है वह जाने शुरू हो जाते हैं। तो जेकर हो सके तो आमलिया का मुरबा, आमलिया का अचार, आमलिया का जूस, तो कच्चे भी आमले जेकर मिल जाए तो फटे चक दिया करो, वो फर्क पेगा, चेहरा जोड़ा ना यह दग मग करना शुरू हो जाएगा, सोहना लगेगा, वाल नहीं झड़नगे, याददाश्त तेज होगी। फिर मैं दस देव बहुत सारिया होर बीमारियों तो भी साडा खेड़ा छुटदा, बुखार वर्गिया बीमारियों तो, डायबिटीज़ तो, थकान तो, जां होर टेंशन टूंशन भी दूर होंदिया। सो अज की वीडियो इत्थे समाप्त है प्यारिओ, ये तीन फायदे जिहड़े मुढ़ले दसे है इन्हां नूं अपनाओ ते अपने जीवन नूं वधिया प्यारा अते खुशहाल बनाओ जी। वीडियो चंगी लगे तो होर भी दोस्तों भैणों नूं शेयर करो ता कि किसी का फायदा हो सके। सच की आवाज़ चैनल दे नाल जुड़े रहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।